कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइली आपके यहाँ पर इंग्लिश का सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना और साथ ही हम आपके यहाँ पर इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन सहित आपका पेपर कराएंगे। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024, ठीक है। आपके यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका यहाँ पर 0 रहने वाला, ठीक है। आपके यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर है, तो सभी लोग यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स 80 अंक रहेगा, समय आपके यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके यहाँ 15 रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, फिर दूसरा तो मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिए, आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया। अब चलिए आपका सेक्शन ही आता है रीडिंग। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका यहाँ पर पैसेज आता है जो कि 10 नंबर का रहेगा। आप यहाँ पर इससे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान से रीड करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लाइफ इज अ स्ट्रगल, बी लाइव, ठीक है, इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स, ठीक है। इस तरह से दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये आपका पूरा यहाँ पर पैसेज हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए, इसके आपके एक एक नंबर के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, रिपुटेशन, तो आपका पहले करेगा चौथा करेक्ट आंसर। फिर आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, सम पीपल आर ट्रेट, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ट्रेटेड अस फॉल्स बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, दे एक्ट हैपेजली, ठीक है। आपका यहाँ पर पहले का दूसरे का आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका सी आता है, मिस्टर अयूब खान बाज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, नॉट बाइस इन डी, ठीक है, डी क्लियरिंग बाज अगेंस्ट इंडिया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर डी आता द एम ऑफ द, ठीक है। आप यहाँ पर देख ली, फिलोसफर इज, तो आपका यहाँ पर डी का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ठीक है, आपका चौथा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर ई आता है द पैसेज इम्प्लाइज दैट, तो आपका यहाँ पर ई का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग शुड प्रेसीड एक्शन, आपका दूसरा करेक्ट आंसर रहेगा। और फिर आपका एफ आता है, नाउन फ्रॉम ऑफ कॉन्टेम, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, कॉन्टेम्पलेट इज, कॉन्टेम्पलेट का आपका नाउन लिखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है, आपका दूसरा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर जी आता अपोजिट ऑफ राइस इज, तो राइस का आपको अपोजिट लिखना है, तो राइस का अपोजिट आपका रहेगा डाउन फॉल, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर देखते जाइए और आपको याद करते जाना। फिर आपका एच आता है वर्ब फ्रॉम ऑफ, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पेनेट्रेशन, तो पेनेट्रेशन का आपको यहाँ पर वर्ब लिखना है, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पेनेट्रेट, पेनेट्रेट आपका इसका आंसर हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता है वैन शुड बी स्ट्राइक द आयरन, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वैन इट इज हॉट, तो ये आपका यहाँ पर पहला रहेगा करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर नेपोलियन टुक द रॉन्ग, ठीक है, इन, ठीक है, आप यहाँ पर इंटीटिविट एंड ब्रॉट द डाउन फॉल ऑफ, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका फ्रांस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन वन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन टू आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑन संडे इवनिंग देयर वाज अ बिग क्राउड एट गोविंद देव जी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपको नोट्स बनाने हैं और आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है, तो इसका आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले आपकी सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो आपका क्वेश्चन तीसरा आता है, यू हैव लॉस्ट योर पर्स, ठीक है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली, योर एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड, 50 वर्ड में आपको यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें इसका अथवा आता है, तो इसमें आप यहाँ पर थे राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस
बोर्ड अबाउट द एनुअल स्पोर्ट मीट टू बी हेल्ड इन द कमिंग वीक। तो इसमें आपको यहाँ पर नोटिस बनाना है, ठीक है, एनुअल स्पोर्ट पर। और साथ ही आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है, राइट अ लेटर टू द, ठीक है, आप यहाँ पर दे दी कमिश्नर ऑफ इंदौर, ठीक है, आप यहाँ पर कॉरपोरेशन, तो आप यहाँ पढ़ लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पढ़ते हैं अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसका अर्थ हुआ था राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर डेज लीव, ठीक है, लीव अस यू अर सिक, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, सिक लिप पर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन पाँचवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो आपके छः टॉपिक दिए हैं, तो किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है। फिर इसका अथवा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर रिपोर्ट, सॉरी, इसमें भी आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पांच टॉपिक दिए हैं, तो किसी एक टॉपिक पर आपको नोट्स बनाना है। उससे पहले अब जो इनकी आंसर है वो आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले इससे सेक्शन सी आती है आप ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं फल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो पहला आता द ट्रेन लेफ्ट हाल्फ डोंट हावर अगो, तो पहले का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका एन हो जाएगा, एन आपका पहले का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था आई हैव नॉट डोंट नो मनी, तो इसमें आपका एन ही हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था द बस डोंट नॉट कम लेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो माय हो जाएगा। और जो चौथा आता ही डोंट नॉट टीचिंग हेयर सिंस 1996, ठीक है, 1996, तो आपका चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा हैज बीन। और जो पाँचवा था ही डाइड मलेरिया, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑफ। और फिर आपका था छठा आई प्रेफर कॉफ़ी टी, तो इसका आंसर टू हो जाएगा। तो इस तरह से आपके फाइनल ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप चलिए डू इज डायरेक्ट आते हैं, तो इनका जो सॉल्यूशन है जो आपके यहाँ पर दिए हैं डू इज डायरेक्टेड, तो पहला आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, दूसरे में आपको सो डेट और टू का प्रयोग करना है, ठीक है, और आपको तीसरे में आपको चेंज द वॉइस में चेंज करना है। तो जो इनकी आंसर है, इनकी आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, जो आपके यहाँ पर दिए हैं डू इज डायरेक्टेड, इनके आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, तो देख लीजिए, इन्हीं को याद कर लेना है। अब चलिए आपके सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, सॉरी सेक्शन डी आती है, तो आपका क्वेश्चन आठ आता, रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ये आपका पैसेज आता है, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी बंस टोल्ड मी, इस तरह से दिया गया, तो पूरा रीड कर लेना। आप चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर इन द स्टोरी अ मैन बिलोंग्स टू, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको उदीपी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन द मैन हु स्टॉपेड एट द टेम्पल परेड फोर, तो आपका यहाँ पर दूसरे का करेक्ट आंसर एनी, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा अ पेयर ऑफ शूज, आपका तीसरा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता सी आता है, इन द बैकयार्ड ऑफ टेम्पल देयर वर प्लास्टिक चेयर्स, तो आपका सी का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा रेड एंड वाइट, ठीक है, रेड एंड वाइट हो जाएगा। फिर आपका डी आता है डोंट डोंट इन माय नाइबरहुड रिमेन शूलेस, ठीक है, शूलेस, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डी का आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर डी दिया गया है इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो हो जाएगा आपका रेग पिकर्स। फिर आपका यहाँ पर आता ई आफ्टर डोंट डोंट ही विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल, तो इसका करेक्ट आंसर 30 ईयर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आठवां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नौ आता है, जिसमें आपका नौवीं का ए आता है, तो ये आपकी पोयम आती है, तो इस पोयम को आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए सबसे पहले, तो पोयम का आपको स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आपका पहला क्वेश्चन आता है माई मदर फेस असन लाइक दैट ऑफ, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आ कॉर्पस। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है यानी बी आता है आई लोकेट अगेन एट माय मदर वन प्ले अस आर लेट विंटर्स, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका मून हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा सी आता आई यूज्ड टू कॉल माय मदर, तो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा अम्मा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं
आपका नॉमी कब भी आता है तो ये आपका पैसेज आता है, तो इस पैसेज को ध्यान से रीड कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, यू कुड नॉट डॉट योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका लॉक हो जाएगा। फिर आपका आता आ डॉट डॉट माइट रन हिम ओवर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है बस, ठीक है, बस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर सी आता है, सो ही बांट इन टू हिज, तो आपका सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूम। और फिर आपका डी आता है, आर डॉट डॉट माइट किक हिम टू दैट, तो आपका यहाँ पर डी का करेक्ट आंसर रहने वाला है डंकी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर नौवीं का ए ओ बी कंप्लीट करा दिया है। अब क्वेश्चन 10 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको 5 करने हैं। और फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है, इसमें आपको ठीक है एनी 5, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं तो एनी 3 करना वहाँ पर गलत लिखा है। क्वेश्चन 12 आता है, क्वेश्चन 12 में आपको 2 करने हैं, और क्वेश्चन 13 में भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, इनके आंसर हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन 14 आता है, तो इसमें आपको 1 करना है, क्वेश्चन 15 में आपको 1 करना है। अब चलिए जो इनके आंसर वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो क्वेश्चन 10 से लेकर क्वेश्चन 15 तक का सोल्यूशन हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपको 5 क्वेश्चन करने थे, तो ये आपका जो आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए थे, 6 के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ इसमें से आपको 5 याद कर लेना है। फिर आपका क्वेश्चन 11 आता, जिसमें आपको 3 करने थे और आपके 4 क्वेश्चन दिए गए थे, तो ये आपके 4 का आंसर है यहाँ पर, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का भी है, तीसरे चौथे का भी, इसमें आपको 3 करने थे। क्वेश्चन 12 देख लीजिए, इसमें आपको 2 करने थे, क्वेश्चन 12 में 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तीनों क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। और क्वेश्चन 13 देख लीजिए, इसमें आपको 2 करने थे, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर। फिर क्वेश्चन 14 में आपको 1 करना था, 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। और क्वेश्चन 15 देख लीजिए, इसमें आपको 1 ही करना था। तो इस तरह से हमने आपके क्वेश्चन आंसर करा दिए, जो क्वेश्चन थे उनके आंसर हमने आपको बता दिए, और साथ ही जो बाकी के सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।